10 दिनों से हम लोग बैठे हैं, लमसम 11वां दिन हो जाएगा। ये कई हम लोगों की मांग है फीस वृद्धि को वापस लिया जाए। जिन परिवेशों से हम लोग आते हैं, आप देखेंगे कि वह हम लोगों के घरों पर चले जाइए और हमसे तमाम बहुत ही नीचे परिवेश, बुंदेलखंड, बांदा, चित्रकूट, झांसी, पूर्वांचल के लड़के यहाँ पर पढ़ने आते हैं। शिक्षा से उन्हें वंचित करने का काम किया जा रहा है। आज हमारी पूरी मेडिकल चेकअप में हर चीज़ लो आया है, स्थितियाँ ठीक नहीं हैं। ये जिला प्रशासन न तो किसी भी जिम्मेदार पे आया है, बल्कि ज़बरदस्ती हमें उठा रहा है। लड़ाई आप सभी को साथ में लड़नी होगी। हम आह्वान करते हैं, हम पानी भी पी रहे हैं तो अब नहीं हो, हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर रही है, वॉमिटिंग हो जा रही है, उल्टी हो जा रही है। तो आप लोगों से निवेदन है, इस लड़ाई को आप लोग आगे बढ़ाइए। आप लोग इस लड़ाई में एक एक जो साथी हैं, अभी मौका है, नहीं तो जो मोदी की सरकार है, जो केंद्र की सरकार है, हम लोगों को पढ़ने नहीं देगी। वैसे ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ला करके इसने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही गरीबों के लिए बचा है, इसे बचा लीजिए। आप लोगों से निवेदन है, इसके पूरा छात्रों से, वर्तमान छात्रों से, आप सभी बंधुओं से, मेरी सांस नहीं साथ दे रही है, मेरी शरीर साथ नहीं दे रही है, आप लोगों से निवेदन है, बचा लीजिए।